सर, परसों तीन छात्रों की दिल्ली में बेसमेंट में पानी भरने से डूबने से मौत, दोषी कौन? देखिए ये घटना जो हुई है ये बहुत शर्मनाक और पूरे दिल को हिला देने वाली घटना है। इसमें मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पूरा शासन तंत्र के लिए जिम्मेदार है और ख़ास तौर से जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे नेता हों, चाहे अधिकारी हों, संबंधित अधिकारी हों, ये सब जिम्मेदार हैं। अगर आज दिल्ली की में जो बड़े बड़े नाले हैं या जो पानी निकासी जो सिस्टम है उसकी कायदे देखभाल की होते, शायद ये घटना ना घटी होती। लेकिन इससे किसी से कोई मतलब नहीं है। सबको किसी तरह से अपनी कुर्सी बचानी है एंड हाउ टू गेन मोर एंड मोर मनी फ्रॉम द सिटीजन पॉकेट, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये पूरा तंत्र ही गड़बड़ है, इसमें सुधार होना आवश्यक है। सर, दिल्ली में बेसमेंट में पानी भर जाने से तीन छात्रों की दर्दनाक मौत, इसमें एक अपने यहाँ की बालिका श्रेया यादव, दोषी कौन, जिम्मेदार? सबसे पहले तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और दोषी तो संचालक महोदय है, सरकार भी है, सरकार कोचिंग का लाइसेंस भी देती है। ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक कृत्य दर्ज होना चाहिए, आपराधिक कार्यवाही के तहत उनकी कार्यवाही होनी चाहिए। संचालक कोई अभिभावक अपने बच्चों इस तरीके से कैसे प्रदेश भेज के पढ़ा पाएगा अगर ऐसी घटना ही हो? भाई अब पढ़ा तो लोग रहे ही है, लेकिन अब जो बेसमेंट में है जिसने लाइसेंस दिया उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम देखें। बेसमेंट में पानी भर गया, इसी वजह से इन लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, तो दोषी तो सभी लोग हैं, सरकार भी है, संचालक भी है, तो इन लोगों के खिलाफ आपराधिक कृत्य का मुकदमा दर्ज होकर कार्रवाई होनी चाहिए। कल दिल्ली में परसों तीन शिक्षार्थी बेसमेंट में पानी भरने से डूब के मर गए, इसका जिम्मेदार कौन है, जिसमें एक अपने जनपद की भी? जी, सबसे पहले तो मैं मृतक आत्माओं को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, असमय मृत्यु पे ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और रही बात जिम्मेदारी की, तो मुख्य रूप से मेरी अगर अपनी ओपिनियन आप लेंगे तो मैं मानता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सत्ता लुलुपता, इन्होंने दिल्ली को कुछ इस तरह का कर दिया है कि दिल्ली के अधिकारी वहाँ के चुने हुए सरकार की बात नहीं सुनते, वहाँ का मंत्री चिल्ला डिसल्टिंग फर्जी बिल बना बना के सारे अधिकारी पास करवा रहे हैं, और जब सरकार का मंत्री कॉग्निजेंस लेता है उसका और उसके बाद आदेश देता है तो इन अधिकारियों के कानों पे जू नहीं थिंकती। अभी एक वीडियो सौरभ भारद्वाज का वायरल हो रहा है जिसमें मुख्य सचिव नरेश कुमार और बाकी और तमाम अधिकारी थे, पीडब्ल्यूडी का सचिव भी वहाँ उपस्थित था, जब सौरभ भारद्वाज ने उससे कहा जो है कि चलो मेरे साथ आके देखो, 6 जून का वीडियो वायरल है ये 2024 का, उसने कहा जब मेरे पास समय होगा तो मैं आऊँगा। उन्होंने कहा यार काम तो मेरे पास भी 25 होते हैं, मैं तो समय निकाल रहा हूँ, तुम ही निकालो। उसने कहा आपके कहने पर मैं नहीं चलूँगा, जब मेरे पास समय होगा तो मैं चलूँगा। तो जब सरकार अब अधिकारी जिम्मेदारी तो चुनके सरकार केजरीवाल की आ गई और जिम्मेदारी हुई, लेकिन ये सत्ता लोलुप अमित शाह और नरेंद्र मोदी एलजी के माध्यम से इन्होंने संसद में बिल पारित करके सारी सत्ता तो अपने हाथ में रख ली, मंत्री तक गिड़गिड़ा रहा, अधिकारियों के सामने कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और उसके अगेंस्ट जो रिट पेंडिंग है उसको हमारे सीजीआई साहब को सुनने की फुर्सत नहीं है। बहुत बढ़िया बैलेंस करके चलते हैं, एक फैसला इधर देते हैं एक फैसला उधर देते हैं, तो ये मैनेजमेंट इनका बड़ा बढ़िया हमारे सीजीआई महोदय का। तो जब अधिकारी और सरकार में इस तरह का गतिरोध खड़ा है तो पाइपलाइन की डिसल्टिंग नहीं हुई, जो नाले हैं उसकी डिसल्टिंग नहीं हुई, तो इसका हुआ क्या, पानी का दबाव बढ़ा, पानी का दबाव बढ़ा तो वो सीवर लाइन फट गई, और फटने का ये हुआ कि जो बेसमेंट में गैरकानूनी तरीके से कोचिंग सेंटर्स चल रहे थे उन्होंने वो बायोमेट्रिक लॉक लगाया हुआ था, वो लॉक सिस्टम फेल हो गया और दरवाज़ा नहीं खुला और बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो जिम्मेदारी अगर तय करनी है तो जिम्मेदारी तो मैं कह रहा हूँ सबकी तय करनी चाहिए, उस तरह नहीं जैसे मोरबी में तय कर दी गई,
उस तरह से नहीं कि जैसे पुल तमाम घटनाएं हो जाती है लीपोत के बराबर किया जाता है। मैं चाहता हूँ इसमें अगर केंद्र दिल्ली सरकार जिम्मेदार है तो उसके अधिकारी मंत्री के ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर केंद्र सरकार की इन्वायरमेंट अगर इसमें जिम्मेदार है, LG जिम्मेदार है या कोई IAS जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हमें भी जीने का अधिकार है। हमारे बच्चे जाते हैं कैसे कैसे, हम अपना पेट पाल के जो है काट के जो है उनको भेजते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, और हमारे बच्चे क्या एक दिन रात देखने के लिए हैं? उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। तो जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाता है उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, जिस हिसाब से दिल्ली में राजनीति हो रही है, दोषारोपण की कार्रवाई हो रही है, मुझे नहीं लगता कि इसका भी कोई निष्कर्ष निकलेगा। हम तो आदि हो चुके हैं इस तरह के सिस्टम की। 4 दिन आप लोग मीडिया वाले हैं, 4 दिन आप लोग जब तक हल्ला करेंगे तब तक ये खबर रहेगी, उसके बाद कहीं किसी के नारे दब जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। तो हम तो डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी की तरफ जो बढ़ गए हैं, जहाँ जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की सत्ता लुलुपता और धन उगाहने की उनके अधिकारियों के साथ साठगांठ हर सेक्टर में। ये तो एक घटना घटी, बच्चे मरे हैं, दुखद है, आप उठा के देख लीजिए ना, हिंदुस्तान में 144 लोग मोरबी में मरे थे, क्या हुआ? जांच आई, रिपोर्ट आई, क्या हुआ? किसी को पता है? आप तो मीडिया पर्सन है, आपको पता है क्या हुआ? नहीं पता है। अरे जब हम पुलवामा के हत्यारों की जांच नहीं करवा सकते, जहां हमारे 40 जवान शहीद हो गए, तो हम और किस जांच की बात करें? तो पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है, भ्रष्ट है, घृणित है, घृणित। तो इसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होगा, ये लिख के ले लीजिए मुझसे। तीन होनहार छात्रों की दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से बेसमेंट में डूबने से मौत हो गई, जिसमें की एक छात्रा अपने जनपद की भी थी, श्रेया यादव। जिम्मेदार कौन? इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। उत्तर प्रदेश निवासी के पहले क्या कारण बना कि यहाँ के बच्चों को कोचिंग के लिए दिल्ली जाना पड़ा? उत्तर प्रदेश निवासी के बाद हमारे यहाँ के वाराणसी, इलाहाबाद पहले सिविल का हब माना जाता था, यहाँ पे छात्रों को कोचिंग नहीं, यहाँ की स्वयं इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी तो इससे यहाँ से लोग निकल के IAS IPS बनते थे। क्योंकि जब से नवासी के बाद से जो भी सरकारें आईं, यहाँ पे शिक्षा का बाजारीकरण जब शुरू हुआ, उसी के देन है ये कोचिंग सेंटर की तथाकथित कोचिंग सेंटर पैदा हुए, और इसके के कारण बच्चों को अपने भविष्य सुधारने के लिए दिल्ली जैसे प्रांतों में जाना पड़ा, और इस प्रकार की दिल्ली में उनके उचित रहने की बैठने कोचिंग संचालन व्यवस्था न होने के इस प्रकार की दुर्घटनाओं से यह मौत हुई। इसका मूल कारण ये होता, हम उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारें बनी उन्होंने शिक्षा के लिए उचित अवसर प्लेटफॉर्म नहीं दिया, जिसके कारण उनको दूसरे प्रांतों में दूसरे जाना पड़ा। मेन कमी यही की है, अगर हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा की उचित व्यवस्था करती, बच्चों को दूसरे प्रांत में कोचिंग के लिए न जाना पड़ता, इस प्रकार की दुर्घटनाएं हमारे प्रदेश के बच्चों की न होती। दिल्ली में अपने यहाँ की एक छात्रा गई थी कोचिंग करने, बेसमेंट में पानी भर गया और 3 छात्र डूब के मर गए, जिसमें अपने यहाँ की श्रेया यादव। इसका दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है? निश्चित रूप से मैनेजमेंट जिम्मेदार है, क्योंकि दिल्ली में बेसमेंट पर पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। बेसमेंट जो वहाँ बनता है वो अन्य कार्यों के लिए होता है, पढ़ाई ऊपर होनी चाहिए थी। और ये भी कि IAS की कोचिंग कर रही थी वो लड़की, वो मर गई, इससे दुखद और कुछ हो ही नहीं सकता है। इस पर हम लोगों को काफ़ी शोक है, फिलहाल ये घटना नहीं होनी चाहिए, बहुत दर्दनाक घटना। निश्चित रूप से मैनेजमेंट दोषी है और कुछ हद तक MCD भी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने अपनी व्यवस्था को देखा नहीं, मैं किस चीज़ का परमिशन दे रहा हूँ, हो क्या रहा, तो MCD भी दोषी, लेकिन मैनेजमेंट ज़्यादा दोषी। दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत, जिसमें से एक छात्रा अपने अम्बेडकर नगर की, दोषी कौन, जिम्मेदार?
पहले तो दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था की वहाँ की गवर्नमेंट जो दावा करती थी उनकी पोल खुली। ये पूरी तरीके से दिल्ली सरकार दोषी है। और दूसरी बात है कि प्राइवेट संस्थानों का हाल आप सभी लोग जान रहे हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से छात्रों का उत्पीड़न करते हैं, फीस शुल्क हर एक चीज़ वसूलते हैं। और इसमें जो भी शिक्षा मंत्री हो वहाँ का, पूरी तरीके से वो जांच के घेरे में आता है। ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेसमेंट में पढ़ाई हो रही, तीन छात्र पढ़ रहे थे, बाढ़ का पानी आता, तीनों डूब जाता, जिसमें अपने यहाँ की एक लड़की श्रेया यादव, दोषी कौन, जिम्मेदार? देखिए ऐसा है, कोचिंग सेंटरों को प्रदेश सरकार रजिस्ट्रेशन करती है, ये सीधा सीधा दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था, अति उच्च व्यवस्था मनीष सिसोदिया ने सुधारा का ये सबसे बड़ा फेल्योर पॉइंट है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। ये मान्य वो है कि देश के हर कोने से दिल्ली में लोग IAS कोचिंग के लिए जाते हैं, तो इतना बड़ा कोचिंग क्लासेस में इतनी अव्यवहारिकता करना कि अचानक पानी आ जाए, ये बड़ा आश्चर्य है। ऐसे लोगों के ऊपर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर लापरवाही का मुकदमा दर्ज करके हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसमें सरकार भी दोषी है, अधिकारी तो पूर्ण रूप से दोषी है ही। नाव कोचिंग दिल्ली में प्लेसमेंट में पाइपलाइन फट जाने से पानी भर गया और तीन छात्रों दर्दनाक मौत, दोषी कौन, जिम्मेदार? बहुत ही दर्दनाक घटना है, जितने भी इसमें दोषी हो, कोचिंग वाले, सेंटर वाले, उसका मैनेजर जो होता है, अध्यापक जो होता है, सारे के सारे दोषी हैं, और साथ साथ प्रशासन भी दोषी है। कोचिंग की एक व्यवस्था होती है, परमिट होती है, उसके एक मैनेजमेंट किया जाता है कि जैसे कहीं आग लग जाए तो उसका गैस वाला सिस्टम होना चाहिए, और सारी की सारी व्यवस्था जो उसके सिस्टम है, सिस्टम के तहत करना चाहिए। वहाँ लापरवाही बरती गई, चाहे शासन के द्वारा या इनकी मिली भगत से इनका कोई सेटिंग रहा हो, मतलब ये घटना जो है बहुत ही दर्दनाक है। हम तो घोर घोर निंदा करते हैं कि अगर ऐसे ही लोग मरते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी क्या कहेगी। हम पढ़ाने के लिए भेजते हैं अपने बच्चों को, और हमको बाद में पता चला कि ये हो गया, और ये बहुत साधारण से बात पर हो गया, मतलब कहीं एक्सीडेंटल हो जाए और कहीं हो जाए। ये वहाँ तो सभी मौजूद रहे होंगे, कोचिंग सेंटर चल रहा था, वहाँ टीचर रहे होंगे, चपरासी रहा होगा, और सारी मैनेजमेंट के जितने लोग हैं, इन लोगों का क्या लायबिलिटी बनती है? सारी का सारा दोष जो है इसमें प्रशासन का, उनके साथ साथ जी? दिल्ली में राव कोचिंग इंस्टीट्यूट में पानी भर जाने से बेसमेंट तीन छात्रों की दर्दनाक जी, उसमें एक अपने यहाँ की श्रेया यादव जी, इस पूरी घटना में जिम्मेदार कौन, दोषी कौन? देखिए कोचिंग सेंटर में पानी भर जाने से, पाइप लाइन भर जाने से, ठीक है, दोषी की जहाँ तक रही बात, सबसे पहली बात है जो कोचिंग का संचालन कर रहे हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था कि भविष्य में यदि पाइप फट जाएगी, बाई दफा मान ली फट जाती है तो इससे कोई घटना घटित हो सकती है, उस सुविधा को देखते हुए उनको कोचिंग का काम करना चाहिए, बेसमेंट में उसको कोचिंग चलाने की अनुमति नहीं, ठीक है, ठीक। और दूसरी चीज़, कोचिंग चलाने की अनुमति नहीं थी, वो कोचिंग चला है तो अवैध थी, विधि के अनुसार जो है वो अवैध थी, उनको नहीं चलाना चाहिए था, इसके संपूर्ण दोषी जो है कोचिंग संचालक महोदय ही थे। प्रशासन तो कहीं कहीं उसकी ढिलवाई रही, वो उसको संज्ञान में नहीं लिया, अगर संज्ञान में उस समय नहीं लिया तो अब लेना ही चाहिए, इस समय जो संज्ञान में लेकर के उचित कार्रवाई जो है उसके ऊपर करना चाहिए। वही तो बहुत दुखद घटना है, छात्रों की मौत हुई जो है। सर, दो दिन पहले दिल्ली में बेसमेंट में पानी भर जाने से राव कोचिंग में पढ़ने वाले तीन होनहार छात्रों की दर्दनाक मौत, जिसमें एक अपने यहाँ की श्रेया यादव जी जी, इसमें जिम्मेदार? सर, घटना बहुत दुखद है, इसमें सारे जिम्मेदार सिस्टम के हैं,
सिस्टम सही नहीं था, इसलिए जो है वहाँ पर घटना घटी है। हम तो यही कहेंगे जितने भी संस्थान है सबका लाइसेंस होना चाहिए और इसकी घटने की पूरा अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए।